बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि शनि राहु के युति से पिशाच योग में हो सकता है भारी नुकसान, ऐसे करें बचाव जिससे जान माल की क्षति न हो। शनि एवं राहु इन दोनों ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जब यह दो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो पिशाच नामक योग बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार से शनि व राहु संबंध बनाए तो यह योग बनता है। उससे पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आखिर शनि एवं राहु से ही क्यों पिशाच योग बनता है, इस योग का क्या अर्थ है। इसके लिए शनि एवं राहु को समझना होगा। शनि एवं राहु रात्रि बलि होते हैं। शनि का वर्ण जो है वह श्याम है। शनि अंधेरे का कारक ग्रह है। राहु एक माया अर्थात जादू है। जब भी शनि और राहु के बीच संबंध बनता है तो नकारात्मक शक्ति का सृजन होता है, जिसे ज्योतिष में पिशाच योग की संज्ञा दी जाती है। शनि एवं राहु एक साथ युति कर किसी भी भाव में स्थित हो, एक दूसरे को परस्पर देखते हो, शनि की राहु या राहु शनि की दृष्टि हो, गोचर वश जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि से गोचर करता हो, इन चार प्रकार के शनि व राहु के मध्य संबंध बनने पर पिशाच योग बनता है। राहु शनि की युति होने पर ऐसे फल मिलते हैं। यदि लग्न में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है। व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं, कोई न कोई रोग निरंतर बना रहता है। द्वितीय भाव में शनि एवं राहु की युति हो तो व्यक्ति के घर वाले उसके शत्रु रहते हैं, हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में शनि एवं राहु की युति होने पर व्यक्ति भ्रमित रहता है, संतान सुख नहीं प्राप्त होता है। शनि राहु के एक साथ होने पर जीवन उथल पुथल से भरा होता है। चतुर्थ भाव में शनि एवं राहु की युति होने पर माता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, आर्थिक नुकसान होता है। पंचम भाव में युति हो तो ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा कठिन स्थिति में पूर्ण होती है। खष्ट भाव में युति हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं। सप्तम भाव में युति हो तो व्यक्ति को मित्रों एवं साझेदारों से धोखा मिलता है। अष्टम भाव में युति हो तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां बनी रहती हैं। आपको बता दें कि अगर नवम भाव में युति हो तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दसम भाव में युति हो तो कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एकादश भाव में युति हो तो जुए सट्टे द्वारा धन की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव में युति हो तो व्यक्ति के अनैतिक संबंध बनने की अधिक संभावना बनी रहती है। शनि राहु के पिशाच योग से बचने के लिए सुंदरकांड का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। इनको करने से पिशाच योग का बुरा प्राभाव खत्म हो जाता है। पाप ग्रहों के योग को समाप्त करने के लिए शिव पूजन करें, दुर्गा सप्तशती लाभकारी होगा। शनि स्तोत्र से पिशाच योग का प्रभाव कम होगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।